स्ट्रॉबेरी की खेती यूँ तो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादातर करी जाती है, पर स्ट्रॉबेरी की खेती उत्तर प्रदेश में सितंबर से लेके फरवरी के बीच में भी हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसको करके आमदनी दोगुना बढ़ा सकते हैं। नमस्कार, मैं शुभम सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे कार्यक्रम में। यूँ तो आपने अक्सर सुना होगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती हमारे देश में होती है और ये पहाड़ी इलाकों में सर्द इलाकों में करी जाती है, पर अब आप उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसकी खेती करने के लिए आपको खेत की तैयारी अवश्य करनी पड़ेगी और इसका काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। खेत की तैयारी के लिए आपको खेत में सबसे पहले 20 से 25 टन गोबर की खाद डालनी होगी। गोबर की खाद सूखी होनी चाहिए, गीली गोबर की खाद किसी भी तरीके से आप खेत में नहीं डालेंगे। उसके बाद आप इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश डाल के खेत को अच्छे से जुताई कर लें। खेत को जुताई करने के बाद खेत को आप एक हफ्ते तक यूं ही छोड़ दें। उसके बाद आपको इसमें बेड की तैयारी करनी है। आप हमेशा स्ट्रॉबेरी की खेती नारियों में यानी कि कैरियों में ही लगाएंगे, मेड़ों में ही लगा के इसकी करी जाती है। इसके लिए आपको बेड 3 फीट का चौड़ाई में लेना है, उसी के साथ साथ कि उसकी ऊंचाई 9 इंच के करीब होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको खेत में मल्चिंग भी करनी पड़ेगी। मल्चिंग के लिए आप मल्चिंग पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास मल्चिंग पेपर नहीं है तो आप अपने खेत में भूसी से भी तैयार कर सकते हैं मल्चिंग। आपको अपने पेड़ों को अच्छे से चारों तरफ से ढकना है, जिससे कि आपके पेड़ों से मिट्टी से नमी बाहर ना निकले। एक बात ख्याल में रखें कि मल्चिंग लगाते समय पेड़ों से पेड़ों की दूरी 1 फीट के करीब होनी चाहिए। पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि हम उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में कौन सी किस्म लगाएं। आपको विंटर डाउन किस्म लगानी है, क्योंकि ये किस्म खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। इसमें अधिक मीठापन होता है और ये थोड़ी गर्मी झेल सकती है और अच्छे से जा सकती है। इसके बाद की उपाय यह है कि अगर आपके खेत में किसी भी तरीके के कीड़े या कीट पतंगों का अगर प्रभाव दिखाई दे तो आप 5 ml नीम ऑयल को डिटर्जेंट के साथ मिला के छिड़काव करें, जिससे कि आपको कीट पतंगों से छुटकारा मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है, हमारे किसान भाई अक्सर हमसे पूछते हैं कि इसकी मार्केटिंग कहाँ से करें। आप इसकी मार्केटिंग 200 ग्राम वाले डिब्बे में पैक करके अपने नज़दीकी फ्रूट सेलर को बेच सकते हैं, या फिर आप मंडी में भी जाके इनको बेच सकते हैं। सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपने आसपास के बड़े शहरों में या फिर कस्बों में जो विक्रेता है, जो होलसेल के विक्रेता है, उनसे अपना कॉन्टैक्ट या टाई अप कर लीजिए, या फिर आप वी मार्ट, डी मार्ट जैसे स्थानों से डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे भी अपनी स्ट्रॉबेरी भेज सकते हैं, जिससे आपको अधिक मुनाफा होगा। अगर आपको ये हमारा कार्यक्रम पसंद आया तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिएगा और हमें बताइए कि अगला कार्यक्रम हम किस चीज़ पर बनाएं। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। देखते रहिए हमारा कार्यक्रम, अपना प्यार यूँ ही दीजिए हमें।